मनीषा कुमारी है। मैं आपके सामने एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रही हूँ जो हमारे आइकन ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से मिली है। यह एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे ग्रुप भी पार्टिसिपेट लिए हैं। हमारे ग्रुप का नाम टाइगर है। हमारे ग्रुप में कुल 8 सदस्य हैं जिनके रोल कुछ इस तरह से हैं। हमारे टॉपिक का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो हमारे टीम लीडर इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे आप लोगों को। और हमारे ग्रुप के सदस्य सबको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमारी स्क्रिप्ट राइटर रोहन कुमार और सपना कुमारी है और टेक्निकल सपोर्टर सलोनी कुमारी एंड दिलसाद आलम है। एडिटर फिरोज आलम है। एंकर मनीषा कुमारी है और साहिना परवीन है। कैमरा वोमेन साहिना परवीन है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हमारे टीम लीडर मोहम्मद साहित्रज आपको कुछ बातें बताएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रजा है। आज मैं आपको एक्सेल का ज्ञान देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक्सेल का डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसे डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने 1987 में। एक्सेल के बारे में आप एक्सेल कहाँ कहाँ यूज होता है? एक्सेल आप अच्छे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से लेके छोटे छोटे अब मैं आपको एक्सेल के यूज बताने वाला हूँ। एक्सेल एक मल्टीनेशनल कंपनी से लेके एक शॉप तक यूज होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या यूज है? आपको जितना एम्प्लॉयमेंट का सैलरी निकालना है या उसका प्रेजेंट निकालना है तो वहाँ पे एक्सेल ही आपको बताता है। एक्सेल ही आप निकाल सकते हैं। आपको जैसे जो शॉप के बिल को निकालना है तो आप एक्सेल में निकाल सकते हैं। यानी एक्सेल आज के डेट में बहुत यूजफुल चीज़ आपको हर फील्ड में एक्सेल कितना मात्रा में कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल खोला कैसे जाता है। इसका होता है दो रूल। सबसे पहला रूल है विंडोज आर। आप प्रेस की प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक्सेल लिखा हुआ। एक्सेल यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे इंटर आप प्रेस कीजिएगा तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। एक्सेल जैसा आपका खुल गया उसके बाद आपको तो मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा रूल है विंडोज बटन प्रेस करें और यहाँ पे एक्सेल टाइप करें EXCEL। एक्सेल टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि आपका एक्सेल खुल जाएगा। यहाँ पे जाके आप इंटर दबा दें, इंटर प्रेस करें, देखा आपका एक्सेल खुल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपका बहुत सारे शीट आता है। ब्लैंक वर्कशीट आता है, एक्सपेंस रिपोर्ट आता है, सैलरी, ये सब आपको बहुत और सब फील्ड में काम करें। मैं आपको बताऊंगा ब्लैंक वर्कशीट के बारे में। तो आप अब जाके पहले ब्लैंक वर्कशीट सेलेक्ट करें तो आपको ब्लैंक वर्कशीट आ गया। इस तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन पे आप जाके क्लिक करें। चलिए मैं आपको ऑफिस बटन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जाके आपको ऑफिस बटन पे जाके क्लिक करें, यहाँ पे आपका खुल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आप देखते हैं न्यू के बारे में। अगर आपको कोई भी नया वर्कशीट चाहिए यहाँ तो आप जाके न्यू पे जाके क्लिक करें और ब्लैंक वर्कशीट जाके ले लें। यहाँ पे आपको ब्लैक चाहिए, एक्सपीरियंस रिपोर्ट जो भी चाहिए और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओपन के बारे में। आप ओपन आपके जो सब जो पहले से आपका डेटा बना हुआ उसे आप वापस से अपने नए वर्कशीट पे लाना चाहते थे आप जाके ओपन पे क्लिक करें। यहाँ पे जैसे मुझे शाहिद है जो मेरे सबसे टॉप पे उसको मैं मुझे लेना तो वहाँ पे जाकर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेरा वर्कशीट खुल गया। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेव के बारे में। सेव अगर आपको किसी भी डेटा को सेव करना है तो अब जाके सेव पे बटन पे देखो। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेव के ऑप्शन के बारे में। आपको सेव करना है तो आपको कोई भी डेटा को सेव करना है आप जाए सेव पे जाके क्लिक करें और या इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल एस। जैसा अब ये मेरा डेटा सेव है इस वजह से आपको नहीं पता चलेगा कि सेव हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेव एज के ऑप्शन के बारे में। आप जाए वापस जाए ऑफिस बटन पे जाके क्लिक करें। सेव एज के बारे में आपको बता रहा हूँ। सेव एज अगर आपको कोई भी पुराने डेटा को दोबारा से सेव करना है उसका न्यू नाम पे तो आप जाके सेव एज पे टैप कर क्लिक। जैसे अभी तो मुझे इस डेटा अभी मुझे इस बार के बारे में कुछ काम नहीं तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा प्रिंट के बारे में। प्रिंट आप प्रिंट में कोई भी वर्कशीट के सॉफ्ट कॉपी को आपको हार्ड कॉपी में करना है तो यहाँ पे जाके प्रिंट पे जाके क्लिक करें और यहाँ पे प्रिंट पे यहाँ पर प्रिंट है लिखा हुआ यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक होम टैब के बारे में। होम टैब मुझे कॉपी करना था, यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे जाके क्लिक करूंगा। कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जैसे मुझे ये डेटा यहाँ पे लाना तो मैं इस सेल पे जाके क्लिक करूंगा। मैं क्लिक करने के बाद वहाँ पे क्लिक कर उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे कंट्रोल वी या कंट्रोल पेस्ट वी कर दूंगा। देखिएगा ये डेटा जो सेम डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेस्ट के बारे में। कट और पेस्ट, कट में जैसे मैंने कॉपी में आप देखें कि यही डेटा वापस यहाँ भी रहा और यहाँ भी आ गया, पर कट में ऐसा नहीं होगा। कट में आपको डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे तो वहाँ उस एरिया से वो डेटा हट जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट आके लग जाएगा। चलिए अब मैं फिर से किसी डेटा को सेलेक्ट करूँगा। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कट के बारे में। कट आप पहले कोई भी डेटा को सेलेक्ट करें, जैसे मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ किसी भी सेल पे जाए, आपको जिस सेल पे लेना है तो आप उस सेल पे जाके क्लिक करें। अब जैसे इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसे कट करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स, मैंने इसे प्रेस किया। अब मैं आपको यहाँ पे लाना है इस डेटा को, यहाँ पे जाऊंगा क्लिक करूंगा, क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल वी यानी पेस्ट का शॉर्टकट की। देखिएगा आपको वापस से वही डेटा आ गया और यहाँ पे आपका बॉक्स जो था खाली हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में। जैसे मैं इस नदीम को सेलेक्ट किया, नदीम या किसी भी नाम पे जाकर मैंने सेलेक्ट किया। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में। जैसे नदीम को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिएगा सबसे हट के फॉन्ट एनी का आपको लगना होगा। अब मुझे जैसे इस फॉन्ट पे जाके मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके क्लिक करूँगा। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद जैसे मुझे यहाँ पे SST जो SST लिखा वहाँ पर मैं जाऊँगा। मुझे जैसे इसका इस फॉन्ट पे लगा तो मैं जाके SST पे जाके क्लिक करूँगा। देखिएगा आपके दोनों का फॉन्ट सेम हो गया। अब तक तो मैं आपको क्लिप बोर्ड के बारे में बता चुका, अब मैं आपको बताने जाऊंगा फॉन्ट के बारे में। फॉन्ट में ज्यादा कुछ है नहीं। फॉन्ट में जैसे यहाँ पे आपको एरियल ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ पर से आप अपना कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हिंदी में करना तो हिंदी में आप ले सकते हैं और कोई भी अलग, जैसे मुझे लेना है यहाँ पे एरियल में लेना है, सिर्फ एरियल। मैं यहाँ पे जाके एरियल पे जाके क्लिक करूंगा, देखिए वो फॉन्ट चेंज हो गया। अब मैं आपको बताना बोल्ड, यहाँ बोल्ड से आप बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड पर क्लिक करने के बाद फिर आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और यहाँ पे उसको आप ये जो 11 आप यहाँ पर सब अपना फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये हो सकता है, अब ये जो छोटा एक ए है कैपिटल वहाँ से भी आप अपना फॉन्ट बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दें बैकग्राउंड कलर के बारे में। बैकग्राउंड कलर जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड मुझे येलो में चाहिए तो मैं जाऊँगा यहाँ पे येलो पे जाके क्लिक करूँगा। यहाँ पे जाके मैं सेलेक्ट करूँगा येलो। देखिएगा आपका यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया। टेक्स्ट कलर में वही कि आप यहाँ पर अपने जो टेक्स्ट लिखे हैं उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना था अलाइनमेंट के बारे में। सबसे पहले आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट करें, जैसे मुझे फिजिक्स को सेलेक्ट करना, मैं फिजिक्स को करूँगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मुझे इसे लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए तो मैं लेफ्ट पे जाके क्लिक करूँगा। मुझे सेंटर पे चाहिए इस डेटा को तो मैं सेंटर पे जाके करूँगा। मिडिल पे और राइट में करना तो मैं राइट में करूँगा।
और मुझे इसे टॉप 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 अलर्ट चाहिए तो टॉप में करूंगा। और अब मैं बताने जा रहा हूँ रैप टेक्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्कशीट नहीं लिखा हुआ, मुझे इस टेक्स पे मार्कशीट लिख, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, नेम सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट करना है। यहाँ पे जाके मैं सेलेक्ट करूंगा इस नेम टैब को, यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम के बाद ऑफ स्टूडेंट ओएफ ऑफ स्टूडेंट लिखूंगा। स्टूडेंट लिखने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे पूरा एक सेल, आपको ये पूरा एक सेल में नहीं आएगा कि इस सेल पर गायब हो जाएगा। इसको आप पूरे एक सेल में लाने के लिए रैप टेक्स्ट पे जाके क्लिक करें, इस डेटा को रैप टेक्स्ट पे जाके क्लिक करने के बाद आपको देखिएगा एक सेल में आ जाएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा मैंने, ये सेल से बाहर चला गया और सेल पे नहीं पूरा आ रहा, तो मैं जाके रैप टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा कि पूरे एक सेल में आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मर्ज एंड सेंटर के बारे में। मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे जैसे मैंने मार्कशीट नहीं लिखा, यहाँ पे मैं जाके मार्कशीट लिखूंगा किसी भी सेल को। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे मार्कशीट लिखा, मार्कशीट लिखने के बाद यहाँ पे जाके फिर मैं मर्ज एंड सेंटर पे जाके क्लिक करूंगा, लेगा। चलिए अब जैसे आपको इसे मार्कशीट को मर्ज एंड सेंटर करना, तो पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ पे डेटा मैं सेलेक्ट करूंगा, पूरे डेटा को यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे जाके। अब जैसा कि मुझे यहाँ पे इस डेटा को मर्ज एंड सेंटर करना, मैं यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे जाके मैं मर्ज एंड सेंटर पे जाके क्लिक कर दूंगा। देखिएगा पूरे एक सेल यहाँ पे ओके आ रहा था, ओके आप जाके क्लिक कर देगा ना सिस्टम पे दे रहा हूँ, तो आप देखिएगा। फिर मैं यहाँ पे जाके इसका टेक्स्ट कलर चेंज करूंगा, बैकग्राउंड चेंज करूंगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे बैकग्राउंड, फिर इसका साइज बड़ा करूंगा। फिर अब कुछ बार मैं इसे बोल्ड करूंगा, इटैलिक करूंगा, जो मुझे करना है मैं यहाँ पे करूंगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने लगा नंबर के बारे में। नंबर, नंबर में आप सबसे पहले देखिए जनरल, आप पहले किसी भी डेटा को सेलेक्ट करें, यहाँ पे मार्क्स को, कोई भी मार्क्स को आप एक मार्क्स को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जनरल पे जाए, जनरल पे जाने के बाद अब यहाँ पे आप देखिएगा वहाँ पे डॉन एरो पे आप जाके क्लिक करें, यहाँ पे आप नंबर पे जाइए, नंबर पे जाइए, नंबर पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ सब डिसिमल में आ गया, ठीक है। अगर आपको वापस इसको लाना तो फिर जाके आप जनरल पे जाएं, क्लिक करें जनरल पे जाके। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे आइकन देखिएगा आप डॉलर का, यहाँ पे तो आप डॉलर पे इस पे जाके क्लिक करें, अकाउंटिंग नंबर एंड फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप जाके क्लिक करें डॉलर एरो पे। आपको अगर इसको इंग्लिश में चाहिए, इसे आप रुपीस में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश यूरो में चाहिए या डॉलर में चाहिए, यहाँ पे जाकर आप सेलेक्ट करें किसी जैसा। देखिए यहाँ पे इंडियन फोन में इंडियन रुपीस में चेंज हो गया। अब वापस आप जाए जनरल पे जाके क्लिक करें, वहाँ वापस जाए वहाँ पे जनरल पे जाए और क्लिक करें। देखिए अगर इसके बाद आपको इसे परसेंटेज में निकालना है, यहाँ पे जाके परसेंटेज के आइकन पे जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारा आपका डेटा परसेंटेज में आ गया। अब मैं मुझे वापस से जनरल पे लाना, मैं जाऊँगा वहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं जनरल पे जाके क्लिक करूँगा। और यहाँ इस आइकन से आप डिसिमल इंक्रीजिंग डिसिमल या मतलब आप यहाँ पर आप डिसिमल बढ़ा सकते हैं, और उसके बगल वाले से डिक्रीजिंग डिसिमल होता है और उसे आप डिसिमल घटा सकते हैं। अब मैं आपको नंबर तक तो बता चुका, अब मैं आपको स्टार्ट करूँगा फॉर्मेट स्टाइल्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूँ स्टाइल के बारे में। स्टाइल में आता है सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जाकर क्लिक करें, हाईलाइट सेल रूप पे जाए, यहाँ पे ग्रेटर देन आप देख रहे हैं, मुझे मतलब इस नंबर का ग्रेटर करना है, सबसे बड़ा डिजिट कौन है, यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे लिखा 400 लिखा हुआ, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा ओके करूँगा। यहाँ देखिएगा कि 400 से नहीं, 450 से बड़ा ये है तो इसे हाईलाइट कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, फिर से जाए कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में, हाईलाइट से लेस देन के बारे में, लेस देन टॉप 10 आइटम लेस देन के बारे में जाने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे दे रहा है कि आपको कोई डिजिट देगा कि आपको इससे कम चाहिए, जैसे मुझे इसमें इससे कम चाहिए तो मैं यहाँ पे अब देख लिया।
अब देखें कि मुझे होता ना उस नंबर से आपको कम मुझे कम चाहिए था तो मैं वहां पे कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कंडीशन फॉर्मेटिंग टॉप 10 रूल्स, यानी मुझे टॉप 10 आइटम मतलब जो टॉप 10 मार्क्स है मुझे वो जानना, तो मैं जाके टॉप 10 पे जाकर क्लिक करूंगा। यहां पे मैं नंबर दूंगा और देखिए कैसा सब अरेंज सिस्टमैटिकली अरेंज हो जाएगा, और नहीं तो फिर मैं आपको बता देगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटा बार के बारे में। डेटा बार यहाँ पे आपको पहला बार के बाद से डिनोट करेगा किसका मार्क्स ज्यादा है किसका मार्क्स कम है। जैसे मुझे इस बार पे चाहिए तो मैं जाके किसी बार में सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले का है यानी 500 वाले का है तो उसको ज्यादा बता दिया, और जो सबसे कम 402 वाले का तो उसको कम बता दिया। अब मैं आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग बता दिया। अब इसमें बस तो जाएंगे फिर कलर स्केल में। कलर स्केल में आपको इसके कलर के द्वारा बता देगा कि आपको किसका ज्यादा मार्क्स है किसका कम मार्क्स है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेट एज अ टेबल में। फॉर्मेट टेबल में पहले तो आपको पूरा टेबल यानी मार्कशीट सेल 1 से लेके सेल 17 तक आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद पहले सेलेक्ट कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप जाके फॉर्मेट एज अ टेबल पे जाए, आपको कोई भी फॉन्ट चाहिए कोई भी कलर पे चाहिए तो आप जाके ओके आप प्रेस कर दें, ओके बटन पे क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाके ब्लू वाले पे जिस भी आईडी पे जाकर आपको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे फिर आप इस स्केल के रेंज को आप फिर से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट ना करेंगे तो फिर यहाँ पे आप ओके जाके ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ गया। अब मैं आपको बताने जाऊंगा वापस आप जाए होम टैब के बारे में। होम टैब पे जाए, यहाँ पे फिर आप जैसे कि अब तक मैं फॉर्मेट एज अ टेबल के बारे में बता चुका हूँ, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टाइल के बारे में। जैसे मुझे कोई भी डेटा सेल के यहाँ पे बैड गुड बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मुझे बैड में करना गुड में करना तो मैं गुड पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ दिया। अब जैसा कि मैं आपको स्टाइल मेनू के बारे में आपको बता चुका हूँ, अब मैं चालू करूँगा सेल के बारे में। अब आपको जैसे आपको किसी भी सेल आप यहाँ पर कोई नया सेल या रो करना है इंसर्ट करना है नया लाना है तो जाके इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर आपको रो आ जाएगा। आपको फिर डिलीट करना है, आपको जैसे मुझे यहाँ पे हिंदी को डिलीट करना है यहाँ पर मैं हिंदी में सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं डिलीट सेल को जहाँ पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ओके करूँगा, यहाँ पर ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर हिंदी नहीं आया, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट टेबल में आप किसी के भी हाइट किसी रो के हाइट कॉलम के चौड़ाई को आप बड़ा कर सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे इसका हाइट बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे जाके रो हाइट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जितना दिया हुआ मैं यहाँ पे जाऊँगा इसको 15 पे कर देता हूँ, 15 पे जाऊँगा क्लिक करूँगा उसका हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडिटिंग के बारे में। ऑटोसम पहले मैं किसी भी मार्क्स को सेलेक्ट कर लूँगा, मान ली मुझे हिंदी के मार्क्स को सेलेक्ट करना, मैं हिंदी के मार्क्स पर जाऊँगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पे मैं ऑटोसम करूँगा। ऑटोसम करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इस सेल में इसका जितना भी मार्क्स आया यहाँ पे आपको दे देगा, आपको बता देगा। अब मैं यहाँ तक तो आपको बता दिया, अब मैं आपको बताऊँगा फिल्टर शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। यहाँ पे जैसे मैंने पूरे डेटा को जैसे मैंने सेलेक्ट किया पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट एंड फिल्टर पे। जैसे मैंने ये पूरे डेटा को सेलेक्ट किया तो वहाँ पे जाकर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मुझे इस डेटा को A to Z असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यहाँ पे जाके मैं A to Z पे जाके क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद A to Z पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्योंकि आप A से जो ऊपर था तो वो पहले ऊपर आ गया, जो AD जैसे जिस रैंक से था वहाँ पे आ गया। मुझे वापस से अगर मुझे Z to A पे करना कन्वर्ट करता हूँ, Z to A पे जाऊँगा, यहाँ पे देखिएगा जो सबसे शिवम था जो तो शिवम से फिर A, अब देखिएगा कि उस डिसेंडिंग में आ गया घटते क्रम में आ जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें फिल्टर के बारे में। फिल्टर पे जाके हमें फिल्टर पे सेलेक्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको आइकन आएगा कि आपको किस
मैं आपको होम टैब के बारे में बता दिया, हमें आपको बताना है इंसर्ट टैब है। इसका सबसे पहले आता है टेबल, टेबल में फायरफॉक्स चार, सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपका एक आ जाएगा फायरफॉक्स टेबल में जाके सेलेक्ट करने के बाद आपका आ जाएगा। अगर न्यू और न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे देगा, न्यू वर्कशीट का काम है कि आपको यहाँ पे नया आपको अगर दूसरे वर्कशीट में इसको करना है तो इस टेबल को बनाना, अब दूसरे वर्कशीट पे आ जाएगा। जैसे आपको वही वर्कशीट पे, जैसे मुझे अभी इसी वर्कशीट पे बनाना है, मैं इसे सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस करूँगा। ओके बटन प्रेस करने के बाद फिर मैं एक और ओके बटन प्रेस करूँगा। अगर आपको ये आप जहाँ जो सेल पे जाना है वहाँ पे आप सेलेक्ट करें सेल को, यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे ओके बटन प्रेस करें। ओके बटन प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आता है फिल्टर, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट पे आप जाके क्लिक करें, सबसे पहले इस एसएसटी पे क्लिक करें, आपको उसको एसएसटी पे क्लिक करने के बाद आपको जिस जिसका चाहिए उसका मार्क्स वहाँ पे आप जाके क्लिक करिएगा तो आपका आ जाएगा। अब तक तो मैं आपको पिवोट टेबल के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेबल के दूसरे मेनू के बारे में। मनीषा कर बोले, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका दूसरा ऑप्शन जिसका नाम है इलस्ट्रेट। यहाँ पे जैसे मुझे इसमें सबसे पहले पिक्चर, अगर मुझे किसी यहाँ पे पिक्चर आना है यहाँ पे जाऊँगा मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ मुझे जैसे एक बार सेकंड पे लेना है यहाँ पे मैं क्लिक करके और इंसर्ट के बटन पे मैं प्रेस कर दूंगा। यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया, अब तक मैंने आपको पिक्चर कैसे लाया था बता दिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आप कमेंट करना मत भूलिए, और हमारे चैनल का नाम है आइकन ऑनलाइन ट्यूटोरियल।